हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों रेडमी फ़ोन ब्लूटूथ फुल सेटिंग के बारे में। हम अपने अपने ब्लूटूथ फुल सेटिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे अपने फ़ोन में दोस्तों हम ब्लूटूथ सेटिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आता है दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना। दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लूटूथ सेटिंग यूज़ करने के लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लूटूथ पे क्लिक कर लेना है। ब्लूटूथ पे क्लिक करना दोस्तों, अगर आपका ब्लूटूथ ऑफ है तो सबसे पहले आप इसको ऑन कर लो। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा हो जो अवेलेबल डिवाइस के साथ दोस्तों ये वाला आइकन, आपको इस पर एक या दो बार दोस्तों आप इस पर क्लिक करके अपने ब्लूटूथ सेटिंग को रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने दोस्तों जो भी आपका स्पीकर है, हेडफोन से या ब्लूटूथ ईयरफोन से है, ईयरबड से, आपको उसी पे क्लिक कर लेना है। जिसके दोस्तों मेरे पे ये वाला स्पीकर है GMD करके, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा एक पेयर का नोटिफिकेशन और ब्लॉक का और कैंसिल का। दोस्तों यहाँ पर आपको इस वाले पे क्लिक करना है, पेयर वाले पे। दोस्तों आप ये साउंड भी सुन सकते हो, मैंने अपने स्पीकर को कनेक्ट कर लिया अपने रेडमी के फ़ोन के साथ। दोस्तों यहाँ पर मैं जो भी सॉन्ग वॉन्ग बजाऊँगा दोस्तों वो मेरे स्पीकर में बजेंगे। अगर मैं यहाँ से कुछ ऑन करता हूँ सॉन्ग वॉन्ग तो मेरे स्पीकर में बजेंगे। तो दोस्तों आप इस तरीके से डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, मतलब पेयर कर सकते हो। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टेड दिख जाएगा एक्टिव। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करोगे राइट साइड दोस्तों यहाँ पर आप इसके डिवाइस नेम को रीनेम करके रख सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो इस आपके जो ब्लूटूथ स्पीकर का जो भी डिवाइस है दोस्तों यहाँ पर वो शो हो जाएगा उस कंपनी का। दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर कट करके इसको मैं लिख देता हूँ माई स्पीकर करके दोस्तों यहाँ पर कुछ। और दोस्तों यहाँ पर मैं इसको डन करके रख लेता हूँ। तो दोस्तों जो मैंने अभी डिवाइस कनेक्ट कर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वो उसका डिवाइस ने हमने यहाँ पे चेंज कर दिया और मैंने इसको कर दिया माय स्पीकर से। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अनपेयर का ऑप्शन। दोस्तों अगर आप इस पर अनपेयर करोगे दोस्तों जो भी आपका डिवाइस ने आपने रिनेम करा था वो भी हट जाएगा और आपके फ़ोन से डिवाइस अनपेयर हो जाएगा, फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते अपने रेडमी के फ़ोन में। दोस्तों आपको इसको यूज़ करने के लिए आपको दोबारा से इसको पेयर करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तब आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो आपको कैंसिल कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आके आप अपने ब्लूटूथ डिवाइस नेम को भी आप चेक कर सकते हो अपने रेडमी के फ़ोन में। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे फ़ोन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ रेडमी। दोस्तों यहाँ पे हम इसको रेडमी लिख लेते हैं, रेडमी फ़ोन ब्लूटूथ। और यहाँ से राइट साइड से क्लिक करके हम इसके डिवाइस नेम को दोस्तों हम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों एडिशनल सेटिंग में आके दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो पेयर का ऑप्शन जो कि डिवाइस का यहाँ ऑन ऑफ कर सकते हो। दोस्तों आप अपने ब्लूटूथ ब्लॉक लिस्ट को चेक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपने कोई डिवाइस ब्लॉक कर रखा है तो दोस्तों आप उसको अनब्लॉक कर सकते हो अपने रेडमी के फ़ोन में। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार। दोस्तों वीडियो पसंद आई दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो ब्लूटूथ सेटिंग को लेकर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।